चार राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के प्रचंड जीत पर शक जताया है। उन्होंने लिखा कि देश के चार राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा वितरित परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प रहा, लेकिन चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन और उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन और दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा जिससे माहौल में नई जान आई है, लेकिन उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। उन्होंने कहा कि इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आके लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी कर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में होगी। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ाने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक तरफा जीत हासिल की है और साथ ही साथ कांग्रेस को भारी मतों से हराकर कांग्रेस को एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, अब जितने भी आलोचक हैं और जितने भी बैठे विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं, अब वो लगातार भाजपा की इस जीत पर शंका जाहिर करने लगे हैं। उनका कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा गेम खेला है, कोई बड़ी षड्यंत्र है कि एक तरफा जीत आखिरकार एक ही पार्टी की तीन राज्यों में इतने भारी मतों से कैसे हो सकती है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।